अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं पापड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत इजी है, बहुत आराम से बन जाती है और बहुत क्रंची रहती है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, कॉर्नफ्लावर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, हमें अजवाइन चाहिए जिसको हम कैरम सीड्स बोलते हैं, वो जाएगा 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून आपका ज़ीरा जाएगा, और उसके साथ 1/2 टीस्पून ही आपने इसमें नमक डालना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। इसमें ये 1 कप मैदा है, इसमें 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, ये आपका कैरम सीड्स हैं, और ज़ीरा है ये मैंने ऐड कर दिया, और ये इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सख्त सा गूँ लूँगी पानी के साथ, और फिर आपको बताते हैं। इसको थोड़ा कम कम पानी के साथ ही आप इसको गूंदें तो आपको अच्छा रहेगा, ताकि आपकी जो पापड़ी है वो जो है बहुत क्रिस्पी रहेगी और फिर नरम नहीं होगी, क्योंकि आपने हमने इसको थोड़ा सा स्टोर भी करना है। इसको मैं गूंद लेती हूँ सख्त सा, और फिर मैं आपको बताती हूँ। जी देखिए, मैंने इसका पापड़ी का आटा गूंद लिया है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए, 30-40 मिनट्स के लिए तकरीबन रख दूंगी ढक के, ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। जी नाज़रीन देखें, 30-40 मिनट्स हो चुके हैं। इसको हमने थोड़ा रेस्ट होने के लिए रख दिया था आटे को। हम इसको आधा आधा करके बेलेंगे, उसके बाद उसको इसकी पापड़ी कट करेंगे। मैं इसका ये आधा पोर्शन ले रही हूँ, उसके बाद हम इसको बेलेंगे ताकि हम इसकी पापड़ी कट कर सकें। इसको जितना आप फ्लैट बेल सकते हैं, आप इसको पतला बेलें, ताकि जो है ना पापड़ी अच्छा आपकी क्रिस्पी रहे। आप जब स्टोर भी करेंगे तो वो फिर क्रिस्पी रहेगी आपकी। मैं आपको इसको बेल के बताती हूँ। जी देखिए, मैंने इसको पूरा बेल लिया है। अब हम इसको सबसे पहले तो फोर्क के साथ प्रिक करेंगे, ताकि ये जो है ना फूले नहीं जब हम इसको फ्राई करें, वरना ये कचौरी की तरह फिर फूलने लगेगी। तो आपने पहले इसको अच्छे से प्रिक कर लेना है फोर्क से। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पकोड़े के चाट और उसके दही बड़े के साथ खाएं, ये वैसे भी चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। से मैंने प्रिक कर लिया। अब इसको आप कोई सा भी कटर लेके और आप इसको इसके राउंड्स काट लें। इसको थोड़ा मैदा लगाते रहें ताकि आपका वो चिपके नहीं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा इसमें प्लेट में डाल लेंगे, और जो बच जाएगा डो हमारा, उसको हम दोबारा से बेल के दोबारा से इसकी पापड़ियाँ कट कर लेंगे। जी देखिए नाज़रीन, मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। अब जब ऑयल पूरा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें ये पापड़ियाँ डाल देंगे। मैं एक डाल के देखती हूँ। जी ये तो काफ़ी गर्म हो गया है, अब मैं इसको इसमें पापड़ियाँ डालूंगी, और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है ताकि ये क्रिस्पी रहे। बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो गया तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी। इसको स्लो आंच पे अच्छे से होने दें, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। जी ये देखिए, अब दूसरा बैच भी हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। और जब तक ये गर्म है आप इसको स्टोर मत कीजिएगा, खुली हवा में रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आपने इसको स्टोर करना है। अब मैं सारी पापड़ियाँ तल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी क्रिस्प है। देखिए नाज़रीन, आप लोग की हमारी क्रिस्पी पापड़ी तैयार है। मैं आपको उसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ।
ये बहुत क्रिस्पी है और अभी तो ये थोड़ी गर्म है, जब आप इसको स्टोर करेंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर इसको शेयर अपने ट्राई कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।